पूरे मतलब समुदाय को, पूरे मतलब जात को लेकर चलने वाले, यानी ए टू जेड की बात करें, ए टू जेड की बात करें जरा उसी से, मतलब कोई भी एक, मतलब आप कहीं का नाम नहीं है, मगर भारतीय जन परिवार पार्टी मतलब पूरे जनता की पार्टी है, एक जात की पार्टी बन के ले गई। जाति जनगणना, जनगणना या जनसंख्या जनगणना, इससे पहले रोजगार जनगणना कर लीजिए जी, रोजगारी भी तो जनगणना होना चाहिए, कितना युवा बेरोजगार है जी, इसका भी जनगणना तब ना आंकड़ा है। ये सब मुद्दा जो है सो मतलब बिहार वासियों को भटकाने वाली मुद्दा है, ये सब मुद्दा कुछ नहीं है। पहले आप रोजगार दीजिए, उसके बाद बात होती है। पहले लाइट की समस्या कितनी थी जी, शॉर्ट आउट हुआ ना बिहार में जी, 2 घंटे लाइट नहीं आती थी, यही सरकार किया है ना जी, तो रोजगार का समस्या दूर कीजिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, कीजिए आप सरकार में। खुश हो जाइए, आपका भारत लाइव वापस आ गया है और साथ में एक युवा हमारे साथ आ जाए। जब भी कोई युवा भारत लाइव के चैनल के कार्यालय में आते हैं, ऑफिस में आते हैं और उनसे हमारी बातचीत जब होती है तो निश्चित रूप से वो बात बड़ी होती है और बिहार की राजनीति की उन गलियों से होकर के मुख्य मुद्दे तक आती है जहाँ आप इंतजार करते रहते हैं कि क्या बदलेगा बिहार में। हालांकि 16 साल से आप इंतजार कर रहे हैं, और 16 साल ही क्यों, पिछले 31 साल से आप इंतजार कर रहे हैं बदलाव का। 15 साल बड़े भाई, 15 साल मझले भाई, छोटे भाई इंतजार में है, लेकिन उनके इंतजार का पूरा होगा समय या नहीं, क्योंकि कई तरह की धाराएं, कई पार्टियां बिहार में नए नए सिरे से नई बातें करने के लिए आ रही हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी आए, सीधे आते ही साल भर भी नहीं हुआ कि उन्हें सत्ता का सुख मिल गया। आए तो थे वादा करके बहुत कुछ, कितना पूरा हुआ हम इसके बहस में नहीं आएंगे, लेकिन फिर बीजेपी पार्टी पहुंच गई है। ये वो बीजेपी नहीं है जो आपसे 2014 में वादा की थी 2 करोड़ रोजगार का, 15 लाख आपके खाता में आने थे, लेकिन वो सारे वादे नहीं, सिर्फ ये वादा है कि बिहार में भारतीय जन परिवार पार्टी क्या करेगी, उसे लेकर के आए हैं पृथ्वी कुमार माली जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि पटना से लेकर के आप गांव ग्राम तक भी जाइएगा तो इनके पोस्टर बैनर आपको नजर आ जाएंगे। इतने कम समय में इतना ज्यादा प्रसिद्धि और इतने तरह की बातें, कहीं ना कहीं कुछ तो स्पार्क जरूर होगा। हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे और बिहार की राजनीति पर भी हम फोकस करेंगे, कितनी इनको बिहार और बिहार की राजनीति पर पकड़ है और क्या करने वाले हैं। बहुत सारी बातें इनसे हम कर चुके हैं, ये कोई पहला राउंड नहीं है, इससे पहले भी भारत लाइव पर आपने इनको देखा होगा। आज हम एक अलग विषय लेकर के आए हैं, क्योंकि बिहार उबलते हुए पानी के उस ढक्कन पर है कि कभी भी उड़ सकता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरा बिहार भ्रमण कर रहे हैं, आए थे आप बहुत सारे मकसद को लेकर के, बहुत सारी बातों को सोच करके आप आए थे। आप आए थे कि बिहार में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को हम खुशी देंगे, लेकिन लग तो नहीं रहा है कि जो वर्तमान सरकार चल रही है वो आपको इस तरह से पूरा करने देगी आपके मकसद को। देखिए, हमने कई जगह जो है सो अपनी बात को रखे हैं, कई चैनल में मतलब चैनल के माध्यम से हम रखे हैं, आपने बोले 30 साल 31 साल इससे पहले भी हमने रखे हैं, मतलब रखने का काम किए हैं। 1-1% 30 साल बोले, अगर 1-1% काम करता तो 30% होगा, और 1.5% काम करता तो 45%, और 2-2% 60%। मगर ये लोगों ने काम ही नहीं किया, अगर 30% भी काम होता ना तो आज बिहार बहुत आगे चला गया है। तो ऐसी कई बातें हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये लोग सिर्फ एक दूसरे को रोप प्रत्यारोप करने से सरकार नहीं चलेगी। बिहार में युवाओं को नौकरी देना प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। पृथ्वी जी, आप बात तो कर रहे हैं, पहले भी आपने भारत लाइव के माध्यम से, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि लगातार आप बातें अपनी रख रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बिहार में बहुत कुछ बदलेंगे आप, यही कह करके तो सभी आते हैं। आप ही के बहुत पुराने आपके ग्रामीण कहे जाते हैं मुकेश सहनी, वो भी तो आए थे यही सब सब्ज बाग दिखाने के लिए, लेकिन क्या हुआ अंततः, उन्होंने क्या किया आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, करना तो वो भी चाह रहे थे, लेकिन सरकार में आने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने विभाग से भी कट के रह जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें पूरा खुल करके काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। आप फिर कैसे कर पाएंगे, आप तो अभी खड़े हो रहे हैं, दौड़ने की बात कर रहे हैं आप।
देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, भारतीय जन परिवार पार्टी किसी भी पार्टी के लिए के टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता, उसका अपना एजेंडा है, जी मेरा अपना एजेंडा जी है। मैं आपको पहले भी कहा हूँ और अभी भी कहा है, करने के लिए कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, करने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होना चाहिए, प्रथम बात। दूसरी बात, आप किसी पार्टी से हैं या आप अलायंस है या कुछ भी है सरकार में, तो आप पहले जो है सो पार्टी में नहीं थे, आप पार्टी में है, अलायंस है, तो आप पहले जो वादा किए हर संभव प्रयास तो कीजिए, संघर्ष तो कीजिए आप। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, भारतीय जन परिवार पार्टी शुरू से ही संघर्ष करेगा और संघर्ष करता है, और संघर्ष का रिजल्ट एक ना एक दिन बिहार वासियों को सामने आएगा। आपने पार्टी बनाई, आप बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के प्रेस वार्ता कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं लगातार, जो हमारी जानकारी है, आपके प्रचार भी चल रहे हैं, लगभग सभी चैनलों पर चल रहे हैं। इन सब के बीच में जो बिहार मुख्य मुद्दा से भ्रमित हो रहा है या फिर मुख्य मुद्दा ही गौण हो जा रहा है, जैसे बाढ़ और सुखाड़, 6 महीने बाढ़ से, 6 महीने सुखाड़ से, उसके साथ साथ लोग पलायन करने को मजबूर हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा था। क्या इस मुद्दे पर सरकार को, सरकारों को जो अब तक काम करती आई है, आपको लगा कि कहाँ कमियां रह गई हैं? बहुत जगह से कमियां हैं, हम आपको कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सिस्टम में आए, सिस्टम से काम करे तो रोजगार देना 2 से 3 साल बहुत है जी। अगर दिन रात काम करे तो 6 महीने में प्रत्येक युवा को रोजगार मिल जाएगा, आप काम तो कीजिए। अरे कहने से थोड़े थोड़े होता है, चैनल पे या कहीं पे भी या मीडिया में आप किस आधार पे बोले कि हम 2 करोड़ 3 करोड़ या 10 लाख हम रोजगार देंगे, कोई आधार होगा ना जी, तो किस आधार से आप हम देंगे रोजगार? भारतीय जन परिवार पार्टी आपके चैनल के माध्यम से आज भी कहती है, भारतीय जन परिवार पार्टी अगर सरकार में आते तो 6 महीने, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष 6 महीने में प्रत्येक युवा को रोजगार देने का काम करेगी। आपने दावा तो कर दिया, कमियां कहां रह गई? कुछ तो ऐसा आपको नजर आया होगा जिसमें नीति में कमी है, नियत में कमी है, या फिर बिहार में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि यहां लोगों को रोजगार दिया जा सके। नियत और नीति साफ नहीं है, मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, मैं किसी सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, नियत और नीति साफ नहीं है, नियत नीति साफ करे रोजगार खुद आ जाएगा। अच्छा ठीक है, युवाओं को हम आपसे एक बात और कहें, युवाओं को बहलाना फुस्ताना का काम बंद करें, नियत और नीति से। देखिए आप बता रहे हैं पहले लाइट की समस्या कितनी थी जी, शॉर्ट आउट हुआ ना बिहार में जी, 2 घंटे लाइट नहीं आते थे, यही सरकार किया है ना जी, तो रोजगार का समस्या दूर कीजिए ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, कीजिए आप सरकार में। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का कहना यह है कि अगर जातीय जनगणना हो जाए तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि जातीय जनगणना अगर हो जाता है तो अब तक जितनी भी समस्याएं थी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष और भी है कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिसको जातीय जनगणना नहीं करना है, यानी भारतीय जनता पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि जातीय जनगणना से कुछ नहीं होगा, उसने हलफनामा भी दे दिया है, दूसरी तरफ उसका कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कर लीजिए सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि ये दो मुद्दे जो हैं यही सबसे ज्यादा मुश्किल है जिसके चलते इस देश का और बिहार का विकास नहीं हो रहा है? सर जाति जनगणना जनगणना या जनसंख्या जनगणना, इससे पहले रोजगार जनगणना कर लीजिए जी, रोजगारी भी तो जनगणना होना चाहिए, कितना युवा बेरोजगार है जी, इसका भी जनगणना, तब ना आंकड़ा आएगा। ये सब मुद्दा जो है सो मतलब बिहार वासियों को भटकाने वाली मुद्दा है, ये सब मुद्दा कुछ नहीं है, पहले आप रोजगार दीजिए उसके बाद बात तो कीजिए जी। अभी कोई वर्तमान में चुनाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, यदि मध्यावधि चुनाव नहीं हो तब, लेकिन इस बीच में 2 चुनाव हमें नजर आ रहे हैं जहां दुर्भाग्य से वर्तमान विधायक जो 2020 में जीत करके आए उनके इंतकाल होने के बाद 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। आपकी पार्टी अब पूरी तरह से फुल फ्लेज में तैयार नजर आ रही है, और जिस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं, जिस तरह से प्रचार के माध्यमों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप एक्टिव हो गए हैं, अलग अलग चैनल्स में आप जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जाकर के आप वहाँ मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्या आप सीधे तौर पे चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आप उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे? देखिए सबसे पहले बात मैं बता दूँ आपको कि मैं सीधा जो है सो जनता से संपर्क कर रहा हूँ जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9810515703, कौन अगर उसको कॉल कीजिए तो खुद हम उठाते हैं, खुद बात करते हैं, उसकी समस्या जानकारी लेते हैं। और दूसरी बात
कि मैं चैनल मतलब कई माध्यम से मैं जा रहा हूँ, मगर मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ इस चीज़ को, और अभी भी नहीं, मैं जब भी मेरी सरकार आएगी तो मैं खुद हर चीज़ को खुद मॉनिटर करूँगा। और रही चुनाव की बात, तो मेरा भारतीय जन परिवार पार्टी आपको कुशेश्वर और तारापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हैं और वहाँ से कैंडिडेट देने का फैसला करें। पृथ्वी कुमार माली एक पार्टी बनाते हैं, भारतीय जन परिवार पार्टी, उस पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद वो बिहार में आते हैं और बिहार में आकर के अपने अनुभवों के साथ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, एक नई धारा की शुरुआत करते हैं, युवाओं को एकजुट करने की बात करते हैं। इन सब के बीच में समस्याएं आपको कितनी महसूस हो रही हैं और किस तरह की दिक्कतें आपको हो रही हैं, उनसे आप कैसे दो चार हो रहे हैं? देखिए, समस्या तो हर चीज़ में आती, संघर्ष कीजिएगा तो समस्या आएगा, मगर वही समस्या को हमें निपटारा करना है, समस्या को हल करना है। एक दिन में रोजगार तो होगा नहीं जी, जैसे 30 साल में रोजगार हम तो बोल तो दिए, 1% दिए रहते तो 30 होता, 100 में 30 आदमी को रोजगार मिल गया रहा जी, जी तो कुछ तो कम होता। मेरे कहने का मतलब ये है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ तो कम होता। अब देखिए, 1% का काम नहीं कि कितनी बेरोजगारी बढ़ रहे हैं, आप ही देखिए। और रही समस्या की बात, समस्या जो भी है हम संघर्ष करने वाले हैं, दिल्ली से संघर्ष किए हैं, गांव में संघर्ष करेंगे, सब जगह संघर्ष करेंगे। और अभी भी आपके माध्यम से एक बात बता दें, हम हर चैनल या हर मीडिया में मैं ये बात बता रहा हूँ, भारतीय जन परिवार पार्टी का पहला काम होगा प्रत्येक युवाओं को हाथ पकड़ के रोजगार देने का, रिपीट कर रहा हूँ, हाथ पकड़ के रोजगार देने का। पृथ्वी जी, एक और अंतिम प्रश्न मेरा होगा, आपने कहा कि आप सबको रोजगार देंगे, आपके लिए सब बराबर हैं, लेकिन जहाँ एक तरफ जातीय पार्टियाँ उभर के सामने आ रही हैं, मुकेश सहनी जी हैं वो पूरी तरह से अपनी पार्टी को मल्लाहों की पार्टी बना लिए हैं, अगर बात की जाए राष्ट्रीय जनता दल की तो यादवों की पार्टी बन करके रह गई है, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो वो लौकुश की पार्टी बन करके रह गई है, आपने भी अपनी पार्टी बनाई है, आपके नाम के पीछे माली लगा हुआ है, आपका समाज भी इतना ज़्यादा संख्या में, वोट के आधार पर मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा संख्या में नहीं है कि आपको उस जगह तक पहुँचा दे, फिर ये रास्ता कितना आपके लिए कठिन और कितना आसान हो जाएगा? संघर्ष है, भारतीय जन परिवार पार्टी जी पूरे मतलब समुदाय को, पूरे मतलब जात को लेकर चलने वाली, यानी ए टू जेड की बात करें, ए टू जेड की बात कर रहा हूँ, उसी से मतलब कोई भी एक मतलब आप कहीं का नाम नहीं है, मगर भारतीय जन परिवार पार्टी मतलब पूरे जनता की पार्टी है, एक जात की पार्टी बन के नहीं रहे। आपका सिंबल अब तक नहीं मिला है, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर कैसे चुनाव में उतरेंगे? जब निर्वाचन आयोग से बात हुई है जी, ठीक है, और मैंने अपने कुछ बात चलाया हूँ जी, 2-4-10 दिन में मेरा सिंबल भी इशू होने वाला है, कुछ प्रतिक्रिया में है। आपको क्या लगता है कि चुनाव में आप उतरेंगे तो चुनाव में उतरने का मकसद जीतना होता है, आप जीतने के लिए उतरेंगे या फिर लोगों को जगाने के लिए उतरेंगे? नहीं, मेरा गृह जिला है कुशेश्वर स्थान जी, मेरा गृह, मैं वहीं से आता हूँ और वहाँ पे मेरी अच्छी तैयारी है, और तारापुर से भी मैं तैयारी कर रहा हूँ जी, और कैंडिडेट देने का मैं फैसला किया हूँ दोनों जगह से जी। मैंने वही पूछा कि आप चुनाव में उतर तो रहे हैं, जीतने के लिए उतर रहे हैं या जगाने के लिए लोगों को उतर रहे हैं? नहीं, लोगों को जागरूक करूँगा, और जीतने का भी मतलब मेरा ये है कि वहाँ से मैं जीतने कुशेश्वर से तो मैं हर हाल में जीत जाऊँगा, और तारापुर से मेरा फाइट रहेगा जी। तो ये थे पृथ्वी कुमार माली जी, जिनसे हमने आज बात किया। अगर आपके पास इनके लिए कोई सवाल हो तो आप ज़रूर सवाल पूछिएगा, फिर इनको हम बुलाएंगे। युवा हैं, बड़ी लंबी छलांग मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिहार का जो राजनीतिक समुंदर है उसमें सीप खोजने का प्रयास कर रहे हैं, और वो सीप है रोजगार। अगर रोजगार देने में सफल होते हैं, इनके पास कई योजनाएं हैं, हमने आपको पहले भी चर्चा किया था कि इन्होंने पूरी प्लानिंग बना रखी है कि कैसे लोगों को रोजगार देंगे, और एक बात इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कही, वो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कहा है, ये बात वास्तव में सही है कि सरकारों के अगर नीति और नियत सही होते, 1-1% 2-2% यदि लोगों को रोजगार देने का काम किया होता तो अब तक बड़े भाई और मझले भाई मिल करके कम से कम 60% समस्या का समाधान तो जरूर कर दिए रहते। वहीं अगर जिस तरह से मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रति वर्ष देंगे, तो अब तक 7 वर्षों में 14 करोड़ लोग कम से कम रोजगार पा गए होते। खैर, रोजगारों को लेकर के आपने देखा ही होगा किस तरह से बीजेपी के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन हो रहा है कि आपने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। अब इन सारी समस्याओं का समाधान यदि आपको चाहिए तो आप
पृथ्वी कुमार माली जी की तरफ देख सकते हैं। बाकी फिर इनसे हम बात करेंगे जब आपके सवाल हमारे पास आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।